इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करते हैं करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कभी कभार आपको इस तरीके से भी दिखाता है। देखिए यहाँ पर आता है इंटर वन ऑफ द 8-digit code प्रोवाइडेड व्हेन यू सेटअप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी कोड कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर आपको इस तरीके से बताता है वो किस कंडीशन में दिखाता है वो पहले समझते हैं। देखिए अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं बट लॉगिन करते समय जो है आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर पासवर्ड याद है आपको बट कभी कभी इंस्टाग्राम जो है आपको अपने अकाउंट के लिए OTP भेजता है, OTP आप कंफर्म नहीं कर पाते किसी कारणवश आपके पास नंबर वगैरह ना होने के चलते, तो वहाँ पर आपके लिए दूसरा ऑप्शन है जो है बैकअप कोड का। देखिए यहाँ पर ओरिजिनली इस तरीके से आता है सिक्योरिटी कोड डालना होता है जो आपके नंबर पर भेजा गया है बट सिक्योरिटी कोड हमारे पास नहीं है किसी कारणवश, तो वहाँ पर हम एक और ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं इनेबल टू रिसीव अ सिक्योरिटी कोड यूज़ वन ऑफ बैकअप कोड। ठीक है, अभी बैकअप कोड क्या होता है वो समझते हैं। देखिए इंस्टाग्राम पर एग्जांपल के तौर में मैं आपको इंस्टाग्राम पर ले चलता हूँ। यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पे आएंगे, यहाँ पर हम करते हैं कि सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला एक ऑप्शन आपको मिलता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखिए यहाँ पर जो है इसे हम इनेबल कर चुके होते हैं। ठीक है, इसे हम इनेबल अगर करते हैं तो उस केस में जो है वहाँ पर हमें एक कोड डालना पड़ता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। इसकी वजह से अगर आपके पास OTP नहीं है फिर भी आप लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है उस वजह से वहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि देखिए यहाँ पर रिकवरी कोड से मेरे पास इस तरीके से इनमें से आपको जो भी रिकवरी कोड आप याद रख सकते हैं इसको आपको वहाँ पर डालना होता है। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपके फ़ोन में एक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है एक मतलब आपके डिवाइस में लॉगिन है, उस केस में आप करेंगे यही कि आपको जो है सेटिंग अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है, देन सिक्योरिटी में चले जाना है। सेटिंग में आएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे, देन यहाँ पर जो है सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलेगा। यहाँ पर एडिशनल जो मेथड है इसके ऊपर प्रेस करिएगा, जैन यहाँ पर बैकअप कोड है इनमें से कोई भी एक कोड आपको ले लेना है। यहाँ पर 4-5 कोड है तो ये जो कोड है 8-digit का उसे उठा लेना है और वहाँ पर प्रेस करना है, डाल देना है। ठीक है, बट काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत ये है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी किसी भी डिवाइस में नहीं है, उस केस में आपके पास सोल्यूशन बस यही बचता है कि आपको जो है टेक्स्ट मैसेज मंगवाना पड़ेगा आपके नंबर पर। और दोनों ही केस में अगर प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको जो भी अपना डिवाइस है जहाँ पर आपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जहाँ जिस भी डिवाइस में एप्लीकेशन में आपने पहली बार इंस्टाग्राम ओपन किया है या फिर लगातार करते हैं उसमें आप अपने अकाउंट को ओपन करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम ऐप को उसी फ़ोन में चलाइए जिसमें आप ज़्यादातर अपने अकाउंट को चलाते हैं। इसके लिए दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, एक तो 8-digit का कोड डालना होता है अगर आपका इंस्टाग्राम किसी अदर डिवाइस में कहीं पर लॉगिन है तो आप निकाल लोगे, नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और OTP ना आएगी तो भी प्रॉब्लम है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।